राधे राधे गुरु जी जी, मैं आपसे एक विनती करना चाहती हूँ जी। मैं जब भी वृंदावन आती हूँ, मैं वृंदावन की और ज़्यादा मतलब स्वच्छता को लेके और ज़्यादा बुरी हालत देखती हूँ। मेरी आपसे एक ही विनती है कि आप सभी से विनती कीजिए, अनुरोध कीजिए कि स्वच्छता का ध्यान रखा जाए। जितना हम ब्रजभूमि से प्यार करते हैं, उतना ब्रजभूमि की स्वच्छता का भी ध्यान रखें। जरूर जरूर जरूर, बहुत अच्छी बात कही आपने जी। खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। गुरु जी राधे राधे। इनको माइक दे देना। गुरु जी आपके चरणों मेरा कोट कोट पड़ना। जाओ वहाँ जाओ। गुरु जी मैंने बहुत दिन से यहाँ आने का सोचा था, मगर आज भगवान ने हमको बहुत पूरा कर दिया। बहुत भाग्यशाली हूँ मैं। और गुरु जी मैंने सपने में आपको देखा था, दूध का टब भर के आप लिए हैं और मैं कहीं से जा रही थी, तो आप पूछे कि कहाँ जा रही हूँ, आँख वैसे गोल गोल घुमा के पूछे आप कहाँ जा रही हैं। मैं बोली गुरु जी नहाने जा रही हूँ, और दोनों जन साथ में थे। गुरु जी रुद्राक्ष पहन सकते क्या स्त्रिया लोग? हाँ। गुरु जी हनुमान चालीसा पढ़ सकती हूँ? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ठीक है गुरु जी, कोट कोट पढ़ना। गुरु जी के चरणों में कोट कोट नमन करते हुए मैं एक छोटा सा प्रश्न आपके समक्ष रखता हूँ जी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, वैदिक संस्कृति में जितने भी अपना धर्मग्रंथ हैं उनके साथ सही लगाई जाती है। श्रीमद् भागवत भी, भागवत गीता तो समझ में आती है, श्रीमद् क्या है इस बारे में थोड़ा सा मैं आपकी व्याख्या चाहता हूं। मतलब शोभा? नहीं, शोभा तो होती है जे तो श्री मतलब लक्ष्मी, श्री मतलब राधा, श्री के एक श्री मतलब लक्ष्मी है, श्री सूक्त आप तो राधा है ना आप। देखिए हाँ। आप जो शोभा और वो बता रहे हैं, एक तो सिंपल लेमेन से जैसे हम लोग नाम लेते हैं अपने पिताजी का। एक मिनट आप श्रीमान मुझे सुन लीजिए। मैं ये चाहता हूँ कि श्री की जो पौराणिक व्याख्या है वो मैं चाहता हूँ आपके श्रीमुख से। हाँ। जनरल वे में तो श्री को सब लोग समझते हैं, एक सम्मानजनक है, शोभा है, ये सब चीज़ तो एक जनरल एक लेमैन की भाषा में। आप एक मनीषी हैं इस विषय के, तो मैं आपके मुँह से वो चाहता हूँ कि इसकी वास्तविक व्याख्या क्या है, कहाँ से शुरुआत हुई इसकी श्री को? श्रीश्चते श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहो रात्र, है ना? ये श्रीश्चते लक्ष्मी जो वेद कह रहे हैं वो श्री सीधा लक्ष्मी अर्थ पे जाके पूरा हो रहा है। अब श्री शिष्टाचार में सबके नाम के आगे लगाया जाता है, सम्मानजनक है, सम्मान अर्थ में भी प्रयोग होता है जहाँ सम्मान देना हो। पर श्री का सीधा अर्थ लक्ष्मी जी से है जी, जो वेद कहता है। वेद मंत्र हमने बोला श्रीश्चते लक्ष्मी, ये देखो लक्ष्मी पे आके श्री सूक्त है, 16 मंत्र हैं उसमें श्री सूक्त में, तो उसमें पूरा माता लक्ष्मी का ही अर्चन होता है, वंदन होता है, पूजन होता है, तो उसका नाम ही श्री सूक्त है। हमारे श्री रामानुजाचार्य जी ने एक भाष्य लिखा, उस भाष्य का नाम भी श्री भाष्य है, श्री भाष्य। तो वहाँ पर श्री के अर्थ बहुत हो सकते हैं यदि व्युत्पत्ति की जाए, अर्थ किया जाए, परंतु जो मूल वैदिक अर्थ है वो श्री मतलब लक्ष्मी है, माँ भगवती लक्ष्मी, जो हमें समृद्धि प्रदान करे वो श्री है, जो हमें सुख प्रदान करे वो श्री है, वो श्री है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। गुरु जी श्रीमन नारायण नारायण। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे गुरु जी। मेरे दो प्रश्न है। हाँ। पहला प्रश्न मेरा ये है कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, मेरा सिर्फ भगवानों की चीजों में मन लगता है। और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि कलयुग में हम सारे लोग इतना पाप किस लिए करते हैं? पाप इसलिए होता है क्योंकि कलयुग के प्राणियों को लोभ ज़्यादा है। सतयुग त्रेता द्वापर में व्यक्ति इतना लोभी नहीं था, तो जहाँ लोभ कम होता है वहाँ पाप कम होता है, जहाँ लोभ ज़्यादा होता है वहाँ पाप ज़्यादा होता है। कलयुग में लोभ ज़्यादा है इसलिए पाप की मात्रा ज़्यादा है। सतयुग त्रेता में लोभ कम था, तो जहाँ लोभ कम होगा वहाँ पाप कम होगा।
राधे राधे गुरुजी, मैं जम्मू से आई हूँ और मेरा आपका दर्शन करने का बहुत मन था और ठाकुर जी की कृपा से आज आपके दर्शन प्राप्त हुए और मुझे, मैं यही चाहती हूँ कि आप यही आशीर्वाद दीजिए मुझे, संत जितने भी साधु संत महात्मा जी हैं इनके दर्शन प्राप्त होते रहे और आप लोगों का आशीर्वाद मिलता रहे। बिल्कुल, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए।